संबल में पूर्व एसपी विधायक राम खिलाड़ी यादव के घर से हुई 50 लाख की कैश चोरी का खुलासा कर पुलिस ने दो ड्राइवरों के घर से 47 लाख से ज्यादा कैश बरामद कर सिर्फ दो दिन में ही घटना का खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि पूर्व एसपी विधायक के कस्बा परबराला स्थित घर की तीसरी मंजिल पर रखी सेफ को तोड़कर 50 लाख कैश चोरी की 15 जुलाई को सनसनीखेज वारदात हुई थी। पूर्व एसपी विधायक के घर से कैश की भारी रकम की चोरी की वारदात पुलिस को चुनौती बनी थी, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने पूर्व विधायक के निजी ड्राइवरों जग्गा और अनेक पाल के घरों से 47,88,000 कैश बरामद किया है। अलबत्ता दोनों ड्राइवर अभी घर से फरार हैं। एसपी चक्रेश मिश्रा ने पीसी कर पुलिस के गुड वर्क का खुलासा किया। कप्तान साहब, जैसे कुछ रुपया बरामद हुआ है, क्या है जानकारी? थाना गुन्नौर के अंदर 15 तारीख को यह सूचना मिली थी कि पूर्व विधायक श्री राम खिलाड़ी यादव के यहाँ से चोरी करके लगभग 50 लाख रुपए किसी के द्वारा चुरा लिया गया है। पुलिस की टीम इसमें लगाई गई थी। सर्विलांस और पुलिस की मदद से आज इसमें से कुल 47,88,550 रुपए बरामद किया गया है। इसको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। ये जो पैसा है ये दो अभियुक्तों से बरामद किया गया है। इनके नाम है जग्गा और जगपाल, ये ग्राम मेड़ौली थाना गुन्नौर का रहने वाला है, तथा अनेक पाल, ये ग्राम दौलतपुर का रहने वाला है। दोनों ही पूर्व विधायक जी के यहाँ ड्राइवर का काम करते थे, इसीलिए इनको इसकी जानकारी थी। ये दोनों अभी फरार हैं। इनके घर से ये पैसा बरामद किया गया है। एक के घर से 24 लाख रुपए और दूसरे के घर से 22,88,500 रुपए बरामद किए गए हैं। इसको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है और इसमें इन दोनों की गिरफ्तारी जल्दी कराते हुए इस मामले का पटाक्षेप किया जाएगा। अच्छा सर, जो आरोपी है उसमें कोई हिस्ट्री शीटर भी बताया जा रहा है? इसमें से एक जगपाल, ये थाना गुन्नौर का हिस्ट्री शीटर है, ये इनका ड्राइवर था और इसके ऊपर पुराने करीब 7 मुकदमे हैं और इस पर ये नया मुकदमा इसके ऊपर ओपन होते के साथ में 8 मुकदमे।